अगली बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार के लिए सुनीता वर्मा के नाम का ऐलान किया है, तो पार्टी के अंदर बगावती सुर उठने लगे हैं। अतुल प्रधान नाराजगी के साथ अखिलेश से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर खामोश हो गए। उधर नाम का ऐलान होते ही सुनीता वर्मा भी लखनऊ से नॉमिनेशन के लिए मेरठ पहुंच गई। प्राइवेट जेट के जरिए से सुनीता वर्मा मेरठ पहुंची, कलेक्ट्रेट में उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल किया है। अपने शौहर योगेश वर्मा और हामियों के साथ नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद सुनीता वर्मा ने अपनी जीत का दावा किया, कहा कि उनके सामने टक्कर में कोई नहीं है। तो आपको बताते चलें, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ के उम्मीदवार के नाम बदलने का दौर देखने को मिल रहा है, और ऐसे में कई नामों को लेकर यहां पर ऐलान किया जा चुका है। और एक बार फिर से मेरठ से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और सुनीता वर्मा के नाम का ऐलान किया गया है, तो पार्टी के अंदर बगावती सुर भी शुरू हो चुके हैं। अतुल प्रधान नाराजगी के साथ अखिलेश से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर वो खामोश हो गए। उधर नाम का ऐलान होते ही सुनीता वर्मा भी लखनऊ से नॉमिनेशन करने के लिए मेरठ पहुंच गई।